संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के एक और नेता अमानतुल्ला खान के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई अनियमितताएं होने की बात कही जा रही थी। इससे जुड़े एक मामले में अमानतुल्ला खान को पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर इसी मामले में कार्रवाई होने से अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ समय पहले यह शिकायत की गई थी कि अमानतुल्ला खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी। आरोप लगाया गया था कि विधायक ने इसके लिए लोगों से पैसे भी लिए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में फंड में भी अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में एंटी करप्शन विभाग ने एक मामला दायर किया था, जिसके बारे में उनसे पूछताछ की गई थी। अब इसी मामले में उन पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कुछ पत्रकारों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने इन पत्रकारों से अपनी पूछताछ में ये जानने की कोशिश की थी कि शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने उस मामले में किस तरह के समाचार प्रकाशित किए थे। इस संदर्भ में जानना महत्वपूर्ण है कि अमानतुल्ला खान भी शाहीन बाग में हुए प्रदर्शनों के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। उन्होंने न केवल प्रदर्शनकारियों का सहयोग किया था, बल्कि उन्होंने खुलकर उनका साथ भी दिया था। अमानतुल्ला खान पर दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के आरोप भी लगे थे। अमानतुल्ला खान ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो रोहिंग्यों शरणार्थियों को पूरी मदद कर रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने एक बातचीत के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी ये साबित करती है कि केजरीवाल और उनके नेताओं ने नई राजनीति करने के नाम पर जनता को गुमराह किया और सत्ता पाने के बाद केवल जनता को लूटने का काम किया है। यही कारण है कि आज जब उनके भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है तो उन्हें जनता का कोई साथ नहीं मिल रहा। जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है। भाजपा नेता कौसर झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाला, शिक्षा में कक्षाएं बनाने के नाम पर घोटाला, स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा अपने आवास के निर्माण के नाम पर घोटाला। ये साबित करता है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल असल में कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कट्टर भ्रष्टाचारी केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे।